बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अम्ब्रेला अंगरखा फ्रॉक स्टिच करने जा रहे हैं। इसमें मैं डोरी पाइपिंग का यूज़ करूंगी और सबसे पहले मैं इसका प्रेशर फुट चेंज करूंगी। हम सिंगल प्रेशर फुट यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास ये सिंगल प्रेशर फुट है, ठीक है। डबल प्रेशर फुट साइड पे कर देंगे और सिंगल प्रेशर फुट लगा के हम इसको टाइट कर लेंगे। सिंगल प्रेशर फुट से डोरी बहुत नीट लगती है। पैर को टाइट करते हुए आप ध्यान रखिएगा कि निडल जो है वो आपकी इसके ऊपर ना आ रही हो। थोड़ा सा चला के देख लें, ये सही एडजस्ट हो चुका है। अगेन एक दफ़ा इसको टाइट कर लेते हैं। पैर हमने चेंज कर लिया है और मशीन रेडी कर ली है। नल की धागा वगैरह हर चीज़ इसकी रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब ये पेपर की कटिंग मैंने आपके सामने रखी हुई है। कपड़ा चूंकि बहुत बड़ा है और उसको सामने फैला के थोड़ा क्लियर करना मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने कहा मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ठीक है। तो आपने जो पाइपिंग स्टार्ट करनी है वो गले के साथ से स्टार्ट करनी है एक पीस पर, ठीक है, और नीचे की तरफ आ जाना है और यहीं से आपने मुड़कर इस तरफ यहाँ तक चले जाना है, ठीक है। या यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक आने के बाद आपने यहीं से ऊपर को चले जाना है और नेक के साथ आपने उसको फिर कट करना है। सेम इसी तरह दूसरे पार्ट पर जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो गले की एक साइड से आपने स्टार्ट करके जैसे इसकी शेप कट हुई हुई है बिल्कुल उसके साथ लगाते लगाते नीचे घेरे समेत आपने पाइपिंग कर लेनी है। या फिर नीचे से आपने स्टार्ट करना है जैसे आपका इस पैर के ऊपर हाथ सीधा होगा पाइपिंग के साथ, ठीक है। या नीचे से स्टार्ट कर लेनी है, स्ट्रेट ऊपर जाना है, कट के अकॉर्डिंग बनाते हुए पाइपिंग आपने ऊपर नेक तक चले जाना है। यहां दिखाना मुझे इजी था। अब हम स्टार्ट करेंगे कपड़े पर पाइपिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं यहां से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। यहां से लगाती हुई ऊपर की तरफ जाऊंगी क्योंकि मेरा हाथ जो है वो पैर पे इस तरह से सीधा होगा। सबसे पहले मैं कपड़े का किनारा ले रही हूं, इसकी राइट साइड ऊपर है, ठीक है, रॉन्ग साइड इसकी नीचे है। इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ रखते हुए डोरी वाली पाइपिंग जो है ये बाजार से इसी तरह रेडी हालत में मुझे मिली है। इसकी भी जो है वो एक हालत जो है वो आप देख सकते हैं कि तैयार साइड है और दूसरी साइड जो है वो दूसरी जो हालत है वो इस तरह से है कि उसमें एक छोटा सा कट लगा हुआ है और इसके अंदर ये डोरी जो है वो पैक हुई हुई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने इसकी भी कपड़े की भी राइट साइड ले लेनी है, डोरी की भी आपने राइट साइड ले लेनी है। और डोरी को इसके ऊपर जब किनारे पर रखना है तो वक्फा आपका इतना होना चाहिए जितना आप स्टिचिंग के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं ये कपड़ा इतना मौजूद है, आधा इंच सारा, ठीक है। तो आपने जिस साइड पे पांव होगा उसके अपोजिट साइड पे आपकी डोरी होगी। अब देखिए मेरा पैर जो है वो इस तरफ है प्रेशर फुट और डोरी जो है वो मेरी इस तरफ को आ रही है। तो ऐसे नीचे रखते हुए स्टार्ट लेंगे। डोरी आपने थोड़ी थोड़ी सेट करते जाना है और कपड़े के ऊपर सीधी साइड पे डोरी को रखकर स्टिच कर लेना है। पूरा नेक तक लगाने के बाद हम दोबारा यहीं से इसको नीट करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लगा के आप डोरी को अगर आप नीट लगाना चाहते हैं तो एक हाथ पीछे की साइड रखेंगे, बिल्कुल स्लोली आपने जस्ट पकड़ के रखना है। इससे डोरी की जो है ना ये जगह थोड़ी स्ट्रेट हो जाती है, टाइट हो जाती है और स्टिचिंग करते हुए बिल्कुल सुई जो है वो राइट लेफ्ट नहीं जाती है। डोरी जो है वो साथ स्टिच हो चुकी है। अब इस डोरी को इस तरह नीचे की तरफ मुड़ जाना है तो हमारे पास बगैर सिलाई के साफ सुथरी डोरी जो है किनारे पे नजर आएगी। और सेकंड सिलाई जो है हम बाद में यहाँ लगाएंगे। इसको किनारे को इस तरह से थोड़ा सा डबल करते हुए
इस तरह से हम साथ स्टिच कर लेंगे, जो कि डोरी से बहुत दूर सिलाई होगी, सेकंड सिलाई, ठीक है। और डोरी के ऊपर हमारी कोई सिलाई नहीं आएगी, बिल्कुल नीट स्टिचिंग लगेगी। यहाँ सारी डोरी को आपने इसी तरह से एजेस पे मुकम्मल कर लेना है। नीचे के घेर की तरफ पाइपिंग जो है वो मैं स्टिच कर चुकी हूँ। अब मैं ऊपर की तरफ आ रही हूँ, जो बीच की स्टिचिंग हमारी लगनी है। ये देखें, इसके साथ बुकरम भी लगी हुई है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको भी आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हमने यहीं से कॉर्नर को कट कर लिया है। पहले कपड़ा टर्न कर लेंगे और निडल हमने नीचे रहने देनी है, ठीक है। निडल बाहर नहीं निकालेंगे ताकि उसके नीचे जो है वो आराम से डोरी अपने कॉर्नर नीट बनाते हुए टिकी रहे। अब आपने कोई भी नोक वाली चीज़ ले लेनी है और उससे अगर एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो उसको हटा के हाथ के नीचे दबा लेना है। और जी तो वीवर्स, देख सकते हैं आप, फ्रंट पार्ट की डोरी जो है वो अंगरखा की मुकम्मल हो चुकी है। यह है इसका नेक। अच्छा, नेक से लेके और मिड शर्ट तक, यानी तकरीबन कमर से थोड़ा नीचे तक मैं इसमें बंद कर दूंगी और उससे नीचे मैं इसके स्लिट रखना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने 30 इंचेस पर जो है वो ये चौक रखा हुआ है, 30 इंचेस तक मैंने निशान लगा लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक मैं नीचे से कपड़ा रख के इस पार्ट को ऐसे जोड़ दूंगी, बंद कर दूंगी, और नीचे जो हिस्सा है ये इसका ओपन रहेगा। कपड़े के तमाम एजेस को डोरी लगाने के बाद हमने अपना प्रेशर फुट जो है वापस चेंज कर लिया है। डबल प्रेशर फुट लगा लिया है, सिंगल प्रेशर फुट जो है हमने उतार दिया है। अब हमने इस पाइपिंग के सिरे को थोड़ा सा टर्न लगा के ऐसे इस तरह से, ठीक है, नीचे मुड़ते जाना है और जहाँ जहाँ हमने डोरी लगाई है उस पूरी डोरी को हमने उसके बैक साइड से इस कपड़े को बिठा लेना है, जिससे कि ना सिर्फ एजेस जो हैं वो नीट हो जाएंगे बल्कि बैक साइड से ये पूरा कपड़ा भी जो है आपका बैठ जाएगा। कॉर्नर्स बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको पहले थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड रखना है, जैसे कि आप पीछे से करते हुए आ रहे हैं, और फोल्ड रखते हुए थोड़ा सा आगे से थोड़ा सा पीछे से नीट रखते हुए, जितना ये झोल आ रहा है इसको आपने त्रिकोण की तरह ऐसे नीट बिठा लेना है नीचे की तरफ देते हुए कपड़ा, और इसकी ऐसे नोक बना लेनी है। ये बैक साइड से जितना नीट होगा फ्रंट साइड से भी उतना ही नीट होगा। जितने कॉर्नर्स आ रहे हैं उनको कॉर्नर्स ही आपने बनाना है ताकि नोकें जो हैं वो अच्छे तरीके से बैलेंस हो डोरी को हमने बैक साइड पे टर्न करके, डोरी पट्टी को बैक साइड पे टर्न करके हमने मुकम्मल स्टिचिंग लगा ली है, ठीक है। पट्टी सेफ हो चुकी है। अब जो है वो हम स्लिट रखने जा रहे हैं और उसके ऊपर का हिस्सा जो है हमने बंद करना है। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है तकरीबन 3 इंच चौड़ा, और इसको मैं डबल करके एक साइड जो है इसके ऊपर छोटी वाली साइड को मैं बंद कर लूँगी। की लेंथ हमें उतनी ही रखनी है जितना कि हमें हिस्सा बंद करना है, ठीक है। इंची टेप से नापते हुए उसके बीच का हमने उतना ही पोर्शन बंद करना है, उतनी हमने ये पट्टी ले लेनी है। पट्टी को डबल लेने का मकसद ये है कि थोड़ी सी उसमें ग्रेस आ जाती है, हल्का सा जो है वो बीच का कपड़ा जो है वो ज़रा नीटली इसके ऊपर बैठ जाता है। अब नेक ले लेंगे और नेक के साथ हमने इस पट्टी को ऐसे ही डबल रखते हुए बिल्कुल नेक का एक सिरा यहाँ रखना है पट्टी के दरमियान में,
और इसको स्टिच कर लेना है बिल्कुल साथ साथ। एक साइड स्टिच करने के बाद नेक की दूसरी वाली साइड जो है वो भी हम यहीं से स्टार्ट लेके नीचे की तरफ जाएंगे और जहाँ तक हमें बंद करना था 30 इंचेस तक डीप, वहाँ तक हम इस पट्टी का जॉइंट लगा लेंगे। स्टार्ट से पक्का कर लेंगे पट्टी की सेटिंग करते हुए अच्छे तरीके से। नेक के साथ साथ एक साइड पर हमने ये पट्टी जो है वो स्टिच कर ली है जहां तक हमें स्टिच करनी थी 30 इंचेस डीप तक। अब दूसरी साइड जो है नेक की हम लेंगे और जो हमारा ये पॉइंट बन रहा था नोक वाला, ठीक है, उस नोक के साथ हमें इसको सेट करना है इस नोक को और बाकी का नेक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पीछे नेक रेडी रह जाएगा और हमने पट्टी को बिल्कुल इस जॉइंट के साथ जोड़ के रखते हुए दोनों पाइपिंग को बिल्कुल जोड़ के रखना है और अपनी स्टिचिंग जो है वो लगा लेनी है। जहाँ तक मैंने ये पट्टी कट करके रखी हुई थी नीचे से भी मैंने उसका किनारा डबल करके फोल्ड कर लिया था, वहां तक हमने इसको बराबर रखते हुए स्टिच कर देना है। पट्टी स्टिच होने के बाद नीचे से हमारी जो स्लिट बच गई है वो किनारे दोनों बिल्कुल इक्वल आने चाहिए। इस स्लिट से नीचे हमारे फ्रॉक के जो दो किनारे हैं वो बिल्कुल इक्वल आने चाहिए और ये इक्वल आ रहे हैं। मैक्सी गाउन या फुल लेंथ फ्रॉक जो भी आप कहें, फुल लेंथ अम्ब्रेला फ्रॉक की फ्रंट साइड का घेर 2.5 गज है जबकि बैक साइड का घेर भी 2.5 गज है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बेल का आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।